Good morning, students. I am Sujit Vedi. Welcome you in SDL Point. Today I teach you the third lesson of snapshots. I provided you first lecture of this lesson and it is a second lesson. So don't waste time. We start. अब शुरू करेंगे यहां से. This priceless commodity, यह बहुमूल्य वस्तु, द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज, हमारे गांव में इतनी ज्यादा आडके एगो, यानी कि एक दशक पहले इतनी ज्यादा नहीं प्रचलित थी. दैट वाज भाई, इसी कारण से रंगा बिकमिंग होमकमिंग, रंगा का घर वापसी, वाज अ ग्रेट इवेंट, एक बहुत बड़ी घटना थी. पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग घोषणा करते हुए उसके दरवाजे की ओर भागे. द अकाउंटेंट सन, लेखपाल का लड़का, हैज कम, आ गया है. द बॉय, लड़का, हु हैड कम गॉन टू बेंगलोर फॉर स्टडी, लड़का जो कि अध्ययन करने के लिए कहां बेंगलोर गया हुआ था, इज हियर, आ चुका है. इट सीम, ऐसा प्रतीत होता है कि वह आ चुका है. एंड कम, आओ, रंगा, इज हियर, रंगा यहां है. लेट्स गो, आओ चले. एंड हैव अ लुक, और उसे देखें. अट्रैक्टेड बाई द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होकर, आई टू, मैं भी चल दिया. वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, यानी खड़ा हो गया. एंड आस्क, भाई, हैव ऑल दीज पीपल कम, और पूछा कि यहां सब लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं. देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहां कोई मदारी का खेल, यानी बंदर का खेल तो नहीं हो रहा है, या यहां कोई बंदर का खेल हो रहा है क्या. अब वाई आ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, एक साथी, यानी कि एक लड़का जो उसी भीड़ में आया था जिसका कोई दिमाग नहीं था. सेड लाउड इनफ फॉर एनी एवरीवन टू हियर, इतनी जोर से बोला कि सबको सुनाई दे. व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तब तुम यहां क्या कर रहे हो. आ यंगस्टर, एक युवक था. इमेच्योर, अपरिपक्व था. तथा एंड विदाउट एनी मैनर, विदाउट एनी मैनर, यानी कि बदतमीज लड़का था. बद मिजाज कह दू, या बदतमीज लड़का था. बद मिजाज या बदतमीज लड़का था. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग वर नाउ ऑफ द पास्ट, या सोचकर कि यह सब अतीत की बात हो गई है, आई कैप क्वाइट, में शांत रह गया. सीइंग सो मैनी पीपल देयर, इतने सारे लोगों को देखकर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के रंगा बाहर आया. हैड वी ऑल गोन इनसाइड, यदि सभी लोग अंदर चले जाते, द प्लेस वुड हैव टर्न इट इन टू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, तो यह स्थान ब्लैक होल में बदल जाता. व्हाट पीपल कॉल, जो कि लोग कहते हैं, जैसा कि लोग कहते हैं, यह स्थान ब्लैक होल में बदल जाता, कलकत्ता के ब्लैक होल में बदल जाता. थैंक गॉड इट डिड नॉट, ईश्वर का धन्यवाद कि ऐसा नहीं हुआ. एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम, और हर कोई आश्चर्यचकित हो गया यह देखकर कि रंगा वाज द सेम, रंगा वैसा ही है, एज ही हैड बीन 6 months ago, जितना कि वह 6 महीने पहले था. व्हेन ही हैड बस फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, जब उसने पहली बार गांव को छोड़ा था 6 महीने पहले, वैसा ही वह अभी भी है. एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत, हु वाज नियर हिम, जो उसके पास ही खड़ी हुई थी, रेन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसके सीने पे हाथ फेरने लगी. एंड लेफ्ट लुक्ड इन टू हिज आईज, उसकी आंखों को उसने देखा. एंड सेट, कहा, जनेवर इज स्टिल देयर, अभी जनेऊ है, अभी भी है. ही हैज एन लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति नहीं बदली है. सी बेंट अवे सून आफ्टर, और शीघ्र वह वहां से चली गई. दैट, यानी कि आफ्टर दैट, उसके बाद वह वहां से चली गई. रंगा लाफ, रंगा क्या हुआ, हंसने लगा. वंस, एक बार, एक देर, जब एक देर रियलाइज, जब उन्होंने रियलाइज महसूस कर लिया, दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड, कि रंगा के वैसे ही हाथ हैं, लेग्स वैसे ही टांगे हैं, आईज आंखें हैं, एंड नोज, और वैसी ही नाक है. तो द क्राउड मेल्टेड अवे, धीरे धीरे भीड़ गायब होती चली गई. लाइक अ लंप ऑफ अ शुगर इन अ चाइल्ड माउथ, उसी प्रकार से गायब हो गई जैसे
बच्चे के मुंह में रखी हुई मिश्री का जो शक्कर का जो गोला होता है वो घुड़ जाता है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं बराबर वहां खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, सबके आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, सभी के जाने के बाद आई आस्क, मैंने पूछा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं रंगप्पा, आप कैसे हैं, इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक है। इट वॉज ओनली देन, तभी देन दैट रंगा नोटिस मी, और यह तभी था जब रंगा ने मुझे देखा। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया, एंड डिड आ नमस्कार रेस्पेक्टफुली, और बड़े ही सम्मानजनक रूप से मुझसे नमस्कार किया। एंड सेइंग, कहता हुआ, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विथ योर ब्लेसिंग, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एक्सपेक्ट रंगा करेक्टर, मैं रंगा के इस चरित्र के पहलू को का ध्यान आपको कराना चाहता हूँ, या ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पे अटेंशन खींचना चाहता हूँ आपकी, यानी कि रंगा के चरित्र के इस पहलू के विषय में आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। ही न्यू वेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वह जानता था कि वुड बी हिज एडवांटेज, लाभ है टू टॉक एनी समवन, किसी से भी बात करना उसे कब लाभकारी है वह यह जानता था। एंड राइटली असेज प्यूपिल वर्थ, और लोगों की योग्यता का वह मूल्यांकन सही प्रकार से कर सकता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, जैसे ही उसने मुझे नमस्कार किया, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्यूपिल वर्थ, एनी प्रेजेंट डे बॉय, आजकल के लड़कों के समान उसने नमस्कार नहीं किया। विथ हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, सूर्य के ऊपर, मतलब सिर कर करके नमस्कार करना, स्टैंडिंग स्टेप लाइक अ पोल विदाउट ज्वाइंट, और पैरों को मिलाए हुए भी सीधे अकड़ करके खड़े होकर नमस्कार करना, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ बैंड और अ वॉकिंग स्टिक, या इस प्रकार से झटका दे करके नमस्कार करना, अपने शरीर को झटका दे करके, जैसे कोई जादू हो, या जादू की छड़ी हो, या वॉकिंग स्टिक, या कोई टहलने वाली छड़ी हो। नॉट डेड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड, ना केवल उसने अपने हाथों को जोड़ा, ही बेंड लो टू टच माई फीट, बल्कि वह मेरे पैरों को भी छूने के लिए झुका। मे यू गेट मैरिड सून, मैंने उसे आशीर्वाद दिया, शादी शीघ्र होने का आशीर्वाद दिया। आई सेड ब्लेसिंग हिम, और उसे मैंने शादी होने का या शीघ्र होने का आशीर्वाद दिया। आई सेड ब्लेसिंग, यानी उसे आशीर्वाद देते हुए मैंने कहा कि तुम्हारी शादी शीघ्र हो। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्ले जेंट्री, और कुछ कुशल सेम प्लेजेंट्री, यानी कुशल सेम वगैरह पूछने के बाद आई लेफ्ट, हम चले गए, मैं चला गया। दैट्स आफ्टरनून, उस दोपहर को, व्हेन आई वाज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माय हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंज, कुछ संतरे लेकर के रंगा मेरे घर पे आया। इन हिज हैंड अ गैग जेनरस, एक बहुत ही दयालु व्यक्ति, कंसिडरेट फेलो, और दूसरों को लिहाज करने वाला व्यक्ति। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, और उसकी शादी सेटल डाउन, उसकी शादी कराना, सेटल डाउन, उसे बसाना, एंड बी अ सर्विस ऑफ सोसाइटी, समाज के लिए उसकी सेवा करना का मैंने आई थॉट निर्णय लिया कि मैं उसकी शादी कराऊंगा, उसे बसा दूंगा, और समाज में उसकी सेवा लूंगा, ऐसा मैंने सोचा। फॉर अ व्हाइल, कुछ क्षण तक, वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, यहां वहां की हम लोग बातें करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं बिंदु पर आया, यानी मैं मुद्दे पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम्हारा कब शादी करने का इरादा है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, अभी मैं शादी नहीं करने जा रहा हूं। ही सर, उसने कहा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की तलाश है, मुझे सही लड़की ढूंढनी है, अभी तो मुझे सही लड़की ढूंढनी है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 मंथ एगो, एक मैरिड, यानी कि अधिकारी को मैं जानता हूँ जिसकी 6 महीने पहले ही शादी हुई है। ही इज अबाउट 30, वह 30 वर्ष का है। हैंड हिज वाइफ इज 25, और उसकी पत्नी 25 वर्ष की है। आई एम टोल्ड यू, मुझे बताया गया कि उसकी पत्नी 25 वर्ष की और वह 30 वर्ष का है।
दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार भरी बात करने के लिए योग्य हैं। लेट्स से आई मैरिड, मान लो कि आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मेरी एक शादी एक बहुत छोटी लड़की से हो जाती है। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो वह मेरे प्यार भरे शब्दों को क्रोध भरे शब्दों में समझ सकती है। रिसेंटली, हाल ही में आ ट्रूप ऑफ बेंगलोर, बेंगलोर में एक समूह ने स्टेट द प्ले शकुंतला, शकुंतला नाटक का परफॉर्मेंस यानी कि मंचन एक मंच पर किया। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फीलिंग फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला इफ सी वाज यंग, अगर शकुंतला छोटी होती लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, आज कल की दुल्हनों की तरह, तो क्या दुष्यंत की भावना प्यार भरी भावना शकुंतला के प्रति होती? देयर इज नो क्वेश्चन, इस पे कोई प्रश्न नहीं उठ पाता। एंड इज देयर, क्या है, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, फिर कालिदास के नाटक का क्या होता? एंड इफ वन गेट्स मैरिड, और अगर वन कोई भी मैरिड यानी शादी करता है, तो इट शुड बी अ गर्ल हु इज मैच्योर, तो ऐसी लड़की से उसकी शादी होनी चाहिए जो परिपक्व हो, अदरवाइज अन्यथा वन शुड रिमेन बैचलर, उसे कुंवारा ही रहना चाहिए। दैट्स वाई, इसी कारण से आई एम नॉट मैरिंग नाउ, अभी मैं शादी नहीं करने जा रहा हूँ। तो मित्रों आज तक यही, अगले लेक्चर में फिर आपसे सामने मुलाकात होगी अच्छे और जोश के साथ। गुड बाय, वंदे मातरम।